नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने अपने YouTube चैनल विराट कोहली ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पे। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी से एक बहुत ही फेमस वैकेंसी आया करती थी, यूपी ट्रिपल एससी जल निगम जेई के बारे में। ठीक है, तो यूपी ट्रिपल एससी में जो जल निगम जेई होता था, जिसमें इलेक्ट्रिकल के बच्चे अलाउड होते थे, मैकेनिकल के बच्चे अलाउड होते थे, ठीक है, और ये जेई ई एंड एम कम्बाइंड पोस्ट होती थी दोस्तों। तो ये पोस्ट में जो जॉब प्रोफाइल होती है यूपी ट्रिपल एससी जल निगम की, वो क्या होती है? ठीक है, तो दोस्तों किसी टाइम पे जल निगम जो था, जब इसमें वैकेंसियां आया करती थी, ठीक है, आजकल तो जल निगम में कितने टाइम तक वैकेंसी ही नहीं है, लेकिन प्रपोज्ड है, ऐसे बोला जा रहा है कि इस साल आएंगी यूपी ट्रिपल एससी से, ठीक है, तो अच्छी बात है। ठीक है, तो किसी टाइम पे दोस्तों जल निगम जो था ना, वो सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल डिपार्टमेंट होता था यूपी में, यानी कि यूपी पीसीएल के बाद जो इलेक्ट्रिकल से लड़के कैरियर बनाना पसंद करते थे, वो यूपी जल निगम में भी कैरियर बनाना पसंद करते थे। ठीक है, लेकिन दोस्तों आज इतनी बुरी हालत हो गई जल निगम की कि वो कॉन्ट्रैक्ट पे जेई और एई को रखता है। ठीक है, तो अब पक्की भर्ती बहुत टाइम बाद अब करने जा रहा है, ठीक है, ऐसा सुनने में आ रहा है। खास ये भर्ती अखबार तक सीमित ना हो, इसमें आप जितने नए लड़के हैं उनको मौका मिले यूपी ट्रिपल एससी जल निगम में फॉर्म भरने का। तो मैं चाहता हूँ कि ये भर्ती आए, और इसकी जॉब प्रोफाइल दोस्तों एक भी यूट्यूब चैनल पे नहीं है, क्योंकि कोई भी आदमी दोस्तों इंजीनियरिंग की लाइन में बहुत कम गाइडेंस है, तो दोस्तों वो कभी भी ये वीडियो नहीं बनाता कि यूपी ट्रिपल एससी जेई में, जल निगम में जेई की क्या जॉब प्रोफाइल होती है। ठीक है, तो जल निगम जो जेई होता है यूपी में, यानी यूपी जल निगम में दोस्तों, उस पोस्ट का नाम होता है अवर अभियंता विद्युत एवं यांत्रिक, यानी एक सिंगल लड़का इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल दोनों का काम देखता है, और इसका जो पेपर होता है इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कंबाइंड लिया जाता है, तभी इस पोस्ट का नाम कंबाइंड है। ठीक है, और दोस्तों इसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या काम होता है, देखिए क्या होता है, कोई भी जो जल निगम का डिपार्टमेंट होता है, वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट होता है, तो वाटर की सप्लाई करने के लिए दोस्तों वाटर पंपिंग स्टेशन होते हैं, और वाटर की सफाई करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं। अब जो लड़का इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से डिप्लोमा या बीटेक करके जाते हैं, लड़के जैसे बीटेक पे एई गए या कुछ भी गए, तो वो लड़के क्या करते हैं, उनकी ड्यूटी जो होती है जनरली वाटर पंपिंग स्टेशंस पे लगती है, ठीक है, या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स पे लगती है, और कुछ प्रोजेक्ट्स इसके इतने अच्छे अच्छे हैं दोस्तों, जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट हो गया, ऐसे ऐसे इस पे ड्यूटी लगती है। ठीक है, तो वो जैसे मान लो जल निगम में वाटर पंपिंग स्टेशन है, तो वाटर पंपिंग स्टेशन पे क्या रहेंगे, वाटर बूस्टर पंप्स रहेंगे, उनकी मेंटेनेंस को देखना। ठीक है, उस पंप के साथ, क्योंकि वाटर जो पंप किया जाता है दोस्तों वो इंडक्शन मोटर्स के थ्रू किया जाता है, तो भैया मशीन्स में जो आपने थ्री फेज इंडक्शन मोटर पड़ी है ना, वो आपको जल निगम के सामने अपनी आंखों के सामने दिखेगी। ठीक है, उस मोटर के लिए स्टार्टर होता है वहां पे, उस स्टार्टर यानी कि मोटर कंट्रोल पैनल जो होता है उसको सप्लाई देने के लिए एक ट्रांसफॉर्मर भी इंस्टॉल्ड होता है वाटर पंपिंग स्टेशन पे, एक या दो भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वाटर पंपिंग स्टेशन पे लोड कितना है। ठीक है, तो मोटर से रिलेटेड काम होता है यूपी जल निगम के जेई का। तो किसी टाइम पे दोस्तों इलेक्ट्रिकल में भी ये भी बड़ी अच्छी जॉब प्रोफाइल मानी जाती है, लेकिन दोस्तों आजकल क्या करें, बच्चों के पास ऑप्शन ही नहीं है, ना जल निगम में भर्ती, ना कहीं भर्ती, ना कुछ भर्ती। आप देखते ना, जल निगम की जॉब प्रोफाइल भी बहुत अच्छी आती है दोस्तों, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करके अच्छा कैरियर था यहाँ पे भी। ठीक है, मोटर्स के बारे में जानने के लिए, मोटर कंट्रोल पैनल्स के बारे में, जो स्टार डेल्टा स्टार्टर आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों, सामने आपको देखने को मिलता है। आजकल तो एडवांस टेक्नोलॉजी भी आ गया जल निगम में, सॉफ्ट स्टार्टर्स देखने का आपको मिलेंगे, मतलब जो लड़का जाएगा इसमें, अब यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम आएगा तब है इसमें, तो जनरली मैं बता रहा था प्रपोज्ड वैकेंसी आती है तो। ठीक है, साथ ही साथ में पंप्स की मेंटेनेंस, ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बहुत ज़्यादा जानने को मिलता है जल निगम में, क्योंकि दोस्तों इसमें वाटर से रिलेटेड जैसे ओरिफिस मीटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रो फ्लो टाइप मीटर्स हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन का सब्जेक्ट नहीं होता हमारे पास, सेंसर ट्रांसड्यूसर LVDT वगैरह, वो सब आपको यहाँ पे एप्लीकेशन देखने को मिलती है। ठीक है, साथ ही साथ में, ठीक है, जो यूपी ट्रिपल एससी जल निगम में भर्ती आती है उसमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स भी होते हैं, ठीक है, जिनको जल निगम ऑपरेट करता है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में दोस्तों इलेक्ट्रो कोअगुलेशन टेक्निक्स, यानी वो टेक्निक जिनके थ्रू वाटर प्यूरीफाई होता है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिलती है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ठीक है,
और साथ ही साथ में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में जो मोटर पंप्स होते हैं पानी को प्यूरीफाई करने के लिए, ठीक है, तो वो जितना भी सिस्टम होता है उसके लिए जो HT पैनल होगा, HT मोटर पैनल होगा, मोटर कंट्रोल पैनल होगा, उसके लिए हल्का सा अलग से एक सबस्टेशन भी होता है साथ में जल निगम का खुद का, ठीक है, वो दस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के साथ ही बनाया होता है वो भी, ठीक है। तो ये सब भी आपको जानने को मिलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, साथ ही जल निगम JEE की जो जॉब प्रोफाइल होती है दोस्तों, उसमें पब्लिक से भी आपको डील करना पड़ता है, ठीक है। और जल निगम JEE की जॉब प्रोफाइल में दोस्तों जनरली ताल्लुकात भी काफ़ी अच्छे बनते हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी जॉब हुआ करती थी ये, अब क्यों नहीं आती, किस लिए नहीं आती दोस्तों, ये मेरे को बिल्कुल भी इसका आइडिया नहीं है, पर इसकी प्रपोज्ड वैकेंसी है। तो UPPCL के बाद ये डिपार्टमेंट भी जो है वो एक अच्छा डिपार्टमेंट माना जाता था, इसकी तैयारी करा करते थे लोग दोस्तों, थे, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये दुर्भाग्य की बड़ी बात है कि जो और इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं वो भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं, जैसे कि UPPCL के साथ साथ अभी UPPCL की भी 2 साल से नहीं आई, ठीक है। तो ये इसमें बच्चों का भी कोई कसूर नहीं है, वो भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों तब दुर्भाग्य ऐसा है कि नहीं आ रही, ठीक है। UP SSC JEE जल निगम से ये वैकेंसी अगर आती है तो आपको भरना चाहिए दोस्तों, ठीक है, तो अच्छा है, ठीक है। और मतलब अच्छा है एज एन इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा है ये, ठीक है। तो ठीक है, आपने इंडक्शन मोटर पढ़ी है वो आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। मैंने बोला फिर इलेक्ट्रोकोगुलेशन टेक्निक, वाटर प्यूरीफाइंग टेक्निक्स आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो काफ़ी सारा है इसमें, ठीक है। और एक और चीज़ होती है कि जो कोई सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसमें बैकअप सप्लाई देने के लिए यदि लाइट लुइट चली जाए तो दोस्तों डीजल जनरेटर्स भी होते हैं इसमें, उनके अपने पैनल होते हैं, ठीक है। डीजल जनरेटर्स, DG बोलते हैं उसको शॉर्ट फॉर्म में, उन सब की भी मेंटेनेंस करवानी होती है, ठीक है। पंप से रिलेटेड काम होता है, बूस्टर पंप्स वगैरह, वाटर बूस्टर पंप्स, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा जॉब स्कोप था इसमें भी इंजीनियरिंग का, हार्डकोर इंजीनियरिंग हुआ करती थी इसमें भी, पर दोस्तों अब क्यों नहीं है वैकेंसी, किस लिए नहीं है ये तो अब मुझे नहीं पता, ठीक है। पर अगर इसमें इन केस आती है तो आपको भरना चाहिए, ठीक है। या फिर अगर किसी नॉन टेक्निकल पोस्ट पे आप काम करते हैं तो उसके साथ भी आपको ये JEE के एग्ज़ाम देने चाहिए। कई बच्चे होते हैं ग्रुप D में भी काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उनका सपना होता है कि वो कोई बड़ी नौकरी करें। तो अगर UP SSC JEE जल निगम पे वैकेंसी आती है तो वो भी आप ज़रूर फिल करें। और दोस्तों जो लड़के एज अ JEE लगे हुए हैं UPPCL में भी, तो वो भी यही आपको सलाह देते हैं, जैसे वैकेंसी अभी कम है, किसी भी JEE की आ रही है भरिए दोस्तों। हर JEE के अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, हर JEE में आपको इलेक्ट्रिकल का नया काम सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है आपका एम था UPPTCL में JEE बनना, ट्रांसमिशन में आप नहीं बने तो क्या हुआ, आप जल निगम में बन सकते हैं, वहाँ अपना अलग रोल है, DDA में बन सकते हैं। दोस्तों मेरा दोस्त है खुद DDA में, एक तो बाहर हुआ है, एक और JEE बना है, ठीक है। तो वो बता रहा था DDA में वर्क एक्सपोजर इंटरनेशनल लेवल का है भाई, वो इंटरनेशनल लेवल तक के प्रोजेक्ट्स लेते हैं, ठीक है। तो काफ़ी वाइड स्कोप है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में भी, ठीक है, ज़बरदस्त एकदम। फायर पंप रूम्स होते हैं ना, उस तक का इंचार्ज बना रखा है उसको, वहाँ पे इंडक्शन मोटर्स के थ्रू मतलब क्या होता है, फायर पंपिंग स्टेशन है, सेफ्टी बहुत रोल है DDA में। DDA भी एक बड़ा वास्ट डिपार्टमेंट है, ठीक है, और काफ़ी अच्छा है वो भी, ठीक है, तो मस्त है वो भी, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं, तैयारी आप किसी एक के लिए कर सकते हैं लेकिन फॉर्म सबके लिए आप अप्लाई करें, ठीक है। पहले जॉब मिल जाए फिर उसके बाद अपने ड्रीम में भी जा सकते हैं, ऐसा भी आप कर सकते हैं, ठीक है। पर मेरे हिसाब से आनी चाहिए थी जल निगम में भी, जैसे मैंने बताया कि काफ़ी इसमें भी ब्रॉड वर्क स्कोप है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन यूनिट अलग होती है जल निगम की, ऑपरेशन मेंटेनेंस अलग होती है, सीवेज ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट यूनिट इनकी अलग होती है, ठीक है। तो और सरकार की जो योजनाएं होती हैं बड़ी बड़ी उनको भी इंप्लीमेंट करता है जल निगम। तो जल निगम कोई वैसा सा डिपार्टमेंट नहीं था दोस्तों, पर अब पता नहीं क्यों इन्होंने यार कॉन्ट्रैक्ट पे लेने शुरू कर दिए, यार पक्की कराते तो कितने अच्छा रहता दोस्तों, क्या वर्क एक्सपोजर मिलता कोई लड़का अगर जल निगम में जाता तो, ठीक है। चलो अब ये जो भी है वो तो, पर मैंने बता दी वीडियो, ठीक है, धन्यवाद।